हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएन सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज फिर आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि हम गेट एग्जाम की तैयारी तो करना चाहते हैं बट हमें सही स्ट्रेटजी नहीं पता है और सही डायरेक्शन नहीं पता है कैसे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से करी जाए और जिससे गेट एग्जाम से मिलने वाली जो पीएसयूज कंपनीज में जॉब्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हैं और प्लेसमेंट में जो मिलने वाली हेल्प है उसको हम लोग जो है वो ग्रैब कर सके। सो इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट डिस्कशन जो है आपके साथ करने वाला हूँ कि कैसे गेट एग्जाम की अच्छे ढंग से प्रिपरेशन जो है वो करी जा सकती है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कॉलेज ग्रुप बने हुए हैं, उनमें भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, जो भी गेट एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। सो हम आगे जो है ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे गेट एग्जाम को जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर करके इससे मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब करी जा सकती है। गेट एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम बीटेक है, तो जो स्टूडेंट ने बीटेक करी हुई है वो सारे स्टूडेंट जो है गेट एग्जाम में एलिजिबल होते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कब हमें तैयारी करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है। सो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि गेट एग्जाम को तैयारी स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस की जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस की इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही होगी आपके पास तो आप इसकी सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो सबसे पहले जो सिलेबस गेट में आता है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सिलेबस है वो थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, फोर्थ में जो पढ़ते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं और सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सिक्स सेमेस्टर, मीन्स जो थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में क्या होता है सब्जेक्ट्स का एक दो स्टूडेंट पहले या अगले सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। सो मैक्सिमम जो सिलेबस है वो पहले जो मेजर जो तीन सेमेस्टर है उन्हीं में कवर हो जाता है और बीइंग ए स्टूडेंट हमारे को ये लगता है कि हमने बीटेक में इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अब गेट के लिए इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। सो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सिलेबस को जाके अच्छी तरह से गो थ्रू करें हर एक ब्रांच में, चाहे वो मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीएससी आईटी है, अदर कोई भी ब्रांच है, उसमें मैक्सिमम जो टॉपिक गेट के सिलेबस में दिए गए हैं वो 8 to 10 टॉपिक्स हैं और प्लस मैथमेटिक्स है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं और साथ में जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड तो हर स्टूडेंट ही पढ़ता है जो कॉलेज में पढ़ रहा है और जिसको प्लेसमेंट चाहिए, तो एप्टीट्यूड हर स्टूडेंट का अच्छा ही होता है। सो आप सबसे पहले सिलेबस की जानकारी लिए बिना आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ मत भागें। अगर आप बिना सिलेबस की जानकारी के बिना प्रिपरेशन करेंगे तो आप 100% डीमोरलाइज हो जाएंगे बिकॉज आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी। सेकेंडली, जब हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हमने वहाँ पढ़े हैं उनमें से भी बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो गेट एग्जाम में कवर्ड नहीं होते हैं, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप सिलेबस को जरूर देखें। सिलेबस को देखने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी जरूर ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी जानकारी होना भी जरूरी है। एक और भी मैं आपको बता देता हूँ कि गेट में जो है 70 to 80% जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी ट्रिकी इन द सेंस कि आपको बेसिक जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है और लॉजिक आपको क्लियर नहीं है तब तक आप जो है गेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इसमें सिलेबस की जानकारी के साथ साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जानकारी के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। बिना प्रैक्टिस करे हुए आप गेट में अच्छा स्कोर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे होंगे, शायद आपकी CGPA जो है वो 9 CGPA, 9.5 CGPA, इवन 10 CGPA वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा कि जो कॉलेज की CGPA है वहाँ पे गेट में किसी तरह से कोई भी मैटर नहीं करती है। गेट में यूजली ये देखा जाता है कि जिसकी 6 CGPA है वो भी टॉप करता है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना है, ना कि मेरी CGPA ज़्यादा है तो मैं गेट में अच्छा स्कोर कर ही लूँगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। सो गेट के एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस भी खूब करनी पड़ेगी। कॉलेज टाइम में जो प्रैक्टिस हम करते हैं
हमारा मेन जो फोकस होता है, जो कॉलेज में असाइनमेंट्स करवाई जाती हैं, उन्हीं असाइनमेंट्स को हम लोग जो है बार बार रिवाइज करके उसी के ऊपर बेस्ड हम प्रिपरेशन करते हैं। पर गेट के एग्जाम में आपको अलग से फोकस करके टॉपिक्स की पूरी डिटेल्ड नॉलेज लेके उसके बाद ही उसकी प्रॉपर रिविजन और स्ट्रेटेजी बना के ही जब उसकी तैयारी करोगे तो ही आप गेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंजीनियर्स करियर ग्रुप जो है वो आपकी स्पेसिफिकली इसी में हेल्प करता है। यहाँ पे हमारे पास जो टॉप फैकल्टीज हैं, जो जिनको 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग आके यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो आपको गेट एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। आप जिस भी मर्जी CGPA कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लो CGPA के स्टूडेंट हैं, मीडियम CGPA के स्टूडेंट हैं और हाई CGPA स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे पास आके अपनी जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन है वो जो कर सकते हैं। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अभी नए जो बैचेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। उन बैचेस के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754242 पे जाके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.engineerscareer.in पे जाके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रिवीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ नोट्स हैं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिविज़न कर रहे हैं, उस रिविज़न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज करके अपने सेल्फ नोट्स रेडी करें। सेल्फ नोट्स में ये चीज़ें बनाना जरूरी है कि आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस सब्जेक्ट के जो हर बार फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के नोट्स होना आपके पास बहुत जरूरी है। बिकॉज जो सेल्फ नोट्स होंगे लास्ट मोमेंट में, वो सेल्फ नोट्स ही आपको जो है वो हेल्प करेंगे उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो सेल्फ नोट्स बनाना कभी मत भूलें, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ नोट्स जो हैं वो बनेंगे। वो अगर अच्छी तरह से बनेंगे, क्रिप्सी नोट्स होंगे, तो ही आप अच्छा जो है वो स्कोर पाएंगे। इन द लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। गेट एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है। सो बहुत से स्टूडेंट जो है ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं बट सिर्फ ऑफलाइन पेपर पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट एट द एंड वहाँ पे जाके जब एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन में आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है, तो उस टाइम पे आपका सिंक्रोनाइजेशन जो है वो स्क्रीन के साथ नहीं बन पाता है, जिस वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट आते हुए एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। जनवरी जो मंथ होता है, फरवरी में गेट का एग्जाम है, जनवरी जो मंथ है वो सिर्फ आपका टेस्ट सीरीज में ही पूरा ऑक्यूपाइड कंप्लीट होना चाहिए, वहीं पे रिवीजन टेस्ट सीरीज इसी तरह से जनवरी मंथ को आपने अपना जो है वो है यूटिलाइज करना है। इंजीनियर्स करियर ग्रुप भी जो है वो स्पेसिफिक गेट ओरिएंटेड जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करता है। आप हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754242 पे जाके और आइधर हमारी वेबसाइट www.engineerscareergroup.in पे जाके इसकी टेस्ट सीरीज की पूरी की पूरी जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो मैंने बातें बताई हैं आप उनको फॉलो करके उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दोगे और आने वाला जो गेट एग्जाम है गेट 2023 उससे आप जो भी गोल, जो भी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करना चाहते हैं वो आप उसमें सक्सेसफुली जो है वो अचीव कर पाओगे। मैं यही चाहूँगा अगली नेक्स्ट वीडियोस में भी आपके लिए नए नए टॉपिक्स के ऊपर जो आपके कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं उनके ऊपर आपके लिए वीडियोस मैं लेके आता रहूँ। सो इस चैनल पे मेरे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जैसे ही नई वीडियो मेरी आती है तो आपको सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, गाइडेंस के लिए आप चंडीगढ़ ऑफिस में मेरे से आके पर्सनली भी मिलके गाइडेंस ले सकते हैं, और कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए, टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन के लिए, स्टडी मटेरियल की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पडेस्क नंबर जो है 9855754242 पे जाके पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।